जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज योर इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 9 पिनोकियो। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड कारपेंटर बॉट ए वेरी क्वायर पीस ऑफ वुड। कारपेंटर मीन्स जो लकड़ी के सामान को बनाते हैं। क्वायर मीन्स विचित्र। पीस ऑफ वुड मीन्स लकड़ी का टुकड़ा। एक बार की बात है, एक बूढ़ा कारपेंटर लकड़ी के एक बहुत विचित्र टुकड़े को खरीदा। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट ही हियर्ड ए लिटिल लॉफिंग वॉइस से स्टॉप यू आर टिकलिंग मी। प्लेन एक टूल होता है जिसे कारपेंटर यूज करते हैं, जिसे हम रंदा कहते हैं। टिकलिंग मीन्स गुदगुदी। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट ही हियर्ड ए लिटिल लॉफिंग वॉइस से स्टॉप यू आर टिकलिंग मी। जैसे ही उसने अपने प्लेन को इसके ऊपर यूज किया, उसने एक थोड़ी सी हंसने की आवाज़ सुना और उसने कहा, स्टॉप, रुको, यू आर टिकलिंग मी, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉयस। बूढ़ा आदमी इस आवाज़ को सुनकर परेशान हो गया। ही सेड, दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र। ही सेड, उसने कहा, यह लकड़ी का एक विचित्र टुकड़ा है। व्हाट शैल आई डू विथ इट, इसके साथ मैं क्या करूँगा। आई थिंक आई विल मेक इट इंटू ए पपेट। पपेट मीन्स कठपुतली। आई थिंक आई विल मेक इट इंटू ए पपेट, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इससे एक कठपुतली बनाऊँगा। ही सेट टू वर्क एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप द ओल्ड मैन सेट ही मस्ट हैव ए नेम। ही सेट टू वर्क, उसने काम करना शुरू कर दिया। एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप, और जैसे ही यह पपेट बॉय का शेप ले लिया, द ओल्ड मैन सेट, बूढ़े आदमी ने कहा, ही मस्ट हैव ए नेम, उसका एक नाम भी होना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोकियो, मैं उसे पिनोकियो कहकर बुलाऊंगा। एज सून एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आइज द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव। अमेज्ड मीन्स हैरान हो गया। एज सून एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आइज, जैसे ही वह आँख बनाने का काम पूरा कर लिया, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव। कारपेंटर उनको हिलते हुए देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया। बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगिन टू लाफ, मुंह बनाने से पहले ही यह हंसना शुरू कर दिया। स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, हंसना बंद करो। इट डिड स्टॉप बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्नड इट पुट आउट इट्स टंग। इट डिड स्टॉप, इसने हंसना बंद कर दिया, बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्नड, लेकिन जैसे ही वह पीछे की तरफ मुड़ा, इट पुट आउट इट्स टंग। टंग मीन्स जीभ, इसने अपने जीभ को बाहर निकाल लिया। एंड इट्स नोज ग्रीव लॉन्ग, और इसका नाक लंबा हो गया। नो सूनर वेयर इट्स हैंड्स रेडी देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग
एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड। स्नैच्ड ऑफ मींस छीन लिया। विग मींस नकली बाल। नो सूनर वेयर इट्स हैंड्स रेडी देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग। जैसे ही उसके हाथ तैयार हो गए उसने कारपेंटर के विग को छीन लिया और उसे अपने सिर के ऊपर रख लिया। एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रीव लॉन्गर। और तब पिनोकियो का नाक लंबा हो गया। वेन इट्स लेग्स एंड फीट वेयर मेड दे वेयर टू स्टिफ टू यूज सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज देम। वेन इट्स लेग्स एंड फीट वेयर मेड जब इसके पैर और पंजे बन गए दे वेयर टू स्टिफ टू यूज। स्टिफ मीन्स कठोर। वे बहुत ही कठोर थे। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज देम। इसलिए कारपेंटर ने पिनोकियो को दिखाया कि उन्हें किस तरह से यूज करना है। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल। डिसाइडेड मीन्स तय किया। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल। अब कारपेंटर ने पिनोकियो को स्कूल भेजने का तय किया। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन। लेकिन वहाँ पिनोकियो कुछ नहीं करता था बट लुक फॉर फन। फन मीन्स मज़े। लेकिन वह मज़े की तलाश करता था। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल। ऑफन मीन्स अक्सर। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल। वह अक्सर स्कूल से भाग जाता था। वाई डोंट यू गो टू स्कूल आस्क्ड द कारपेंटर। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो कारपेंटर ने पूछा। पिनोकियो टोल्ड हिम ए लाई एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। पिनोकियो टोल्ड हिम ए लाई। पिनोकियो ने उससे झूठ बोला। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। और उसका नाक लंबा होने लगा और लंबा होने लगा। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन आर टोल्ड ए लाई हिज नोज ग्रीव लॉन्गर। रूड। रूड मीन्स असभ्य या बेरुखी से। हर बार जब वह किसी से रूडली बात करता था या झूठ बोलता था हिज नोज ग्रीव लॉन्गर। उसका नाक लंबा होने लगता था। फाइनली पिनोकियो सेड आई एम ग्लैड टू बी ए रियल बॉय। फाइनली पिनोकियो ने कहा आई एम ग्लैड टू बी ए रियल बॉय। मैं खुश हूँ कि मैं एक रियल बॉय हूँ। मीन्स मैं एक सच्चा लड़का हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन। मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। That means you should not tell a lie in your life. Thank you. Have a good day.